सैम बहादुर, नाम तो सुन लिया होगा, जिसने 1971 में पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी थी, जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। तो बस उन पर आधारित फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद ये बात तो पक्की है कि विक्की कौशल सैम बहादुर के अवतार में छा गए हैं। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म 2023 की टॉप फिल्मों में शामिल होगी। ट्रेलर की शुरुआत ही गुरु ग्रंथ जी के वचन के साथ हुई है और दूसरी तरफ सैम बहादुर इंदिरा गांधी के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते दिखे। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में विक्की कौशल ने लोगों को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लुक से लेकर कहानी तक ऐसा लग रहा है कि ये विक्की कौशल की एक बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। ट्रेलर का हर एक सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्की ने इस तरह से सैम बहादुर की पर्सनैलिटी को बखूबी अपनाया है कि मानो जैसे उस समय के रियल पिक्चर सामने आ गई हो। विक्की ने पूरी तरह से सैम बहादुर का कैरेक्टर जस्टिफाई किया है। विक्की कौशल के अलावा फिल्म में फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगी। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। विक्की कौशल की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। टीजर में फातिमा सना शेख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही हैं। सैम बहादुर के टीजर की खास बात यह है कि इसमें देशभक्ति से भरपूर एक से एक डायलॉग मौजूद है। सोशल मीडिया पर सैम बहादुर के टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर की असली जान है इसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग जो ट्रेलर में देखने को मिले। जैसे विक्की कौशल आर्मी के अवतार में कहते नजर आएंगे, एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, और एक सोल्जर अपनी वर्दी के लिए जान भी दे सकता है। दूसरी तरफ एक सीन है जिसमें एक पॉलिटिशियन कहते हैं, सैनिकों की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। तब विक्की अपने दमदार डायलॉग के साथ जवाब देते नजर आएंगे कि सोल्जर की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। लिटरली ये डायलॉग ट्रेलर को और भी खास बनाते हैं। बता दें कि मेघना गुलजार ने इस फिल्म को विक्की कौशल के साथ निर्देशित किया है। इसकी टक्कर रणबीर कपूर की एनिमल से होगी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर राजी के बाद मेघना और विक्की के बीच दूसरी फिल्म होगी जो 1 दिसंबर को रिलीज होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।